वेलकम फ्रेंड्स। एक कमेंट जो कि एक्सेल या गूगल शीट को लेकर आया है मेरे पास, कि इनका कहना है कि जब भी ये इनके पास कोई ऐसा रिजल्ट आया जिसमें 1.55 ऐसी वैल्यू सामने आती हो तो उसको ऑटोमेटिकली राउंड करके और 1.2 बना दे, और अगर 1.5 से अगर कम हो तो ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाए। इस तरह की कोई अगर टेक्निक है तो बिल्कुल है, और मैं आज वही बताने वाला हूँ। तो देखिए, गूगल शीट मैंने ओपन कर रखी है, आप देख सकते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती हो या कहीं ना कहीं ऐसी जरूरत पड़ती हो राउंडिंग की, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको इससे जरूर लाभ होगा। तो यहाँ पर हमें राउंडिंग का फॉर्मूला यूज करना है। राउंडिंग कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ 1.66 लिखा हुआ है, आपको एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। यहाँ 1.66 है, 5.9 है, 1.49 है, 1.09 है, 1.99 है। तो इसको राउंड कैसे कराएंगे हम, तो राउंड कराने के लिए तीन फॉर्मूले एक गूगल शीट में दिए हुए हैं, एक्सेल में भी सेम है। पहला फॉर्मूला होता है राउंड का, दूसरा फॉर्मूला होता है राउंड अप, तीसरा होता है राउंड डाउन, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है जो कि आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, राउंड एम का, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे राउंड की। तो यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाया और लिखा यहाँ पे आर ओ यू एन डी राउंड, ये लिख दिया, और अब यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। हमें इसी को तो राउंड कराना है, तो इसको सिलेक्शन में ले लीजिए, यहाँ पर इसका सेल रेफरेंस आ जाएगा, ये इसका सेल रेफरेंस है B7, ठीक है, ये B7 में लिखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट को करिए क्लोज, ठीक है, और क्लोज करने से पहले भी यहाँ कॉमा दे दीजिए और यहाँ पर दे दीजिए 0, हम इसको 0 पॉइंट तक राउंड करा रहे हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दीजिए। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 2 आ चुका है। अगर मैं इसी को ड्रैग करवा लेता हूँ यहाँ से, देखिए मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने ड्रैग करवा दिया, अब ड्रैग करवाने पे देखिए 1.59 है तो वो 1.49 है तो ये 1 हो गया, 1.09 है तो ये 1 हो गया। तो ये राउंड का फॉर्मूला बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। आपको इस तरह की कुछ जरूरत पड़ जाए जिसमें आप राउंड कराना चाहते हो, राउंड फिगर में लेके आना चाहते हो, जैसे कभी कभी बड़ा व्यापार हम करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि 50,000 5 पैसा ऐसे करके कुछ हमारा जो टोटल कॉस्ट आए या टोटल हमारा जो बेनिफिट आए तो इस तरह का आता है, तो हम उसे राउंड फिगर में करना चाहते हैं, या तो उसे आगे बढ़ा दे या तो पीछे कर ले। तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला काफी कारगर है। एक और फॉर्मूला होता है, ये तो रहा राउंड, ठीक है, अब एक बताता हूँ राउंड अप, ठीक है। अब अप, तो इस बार अप करा रहा हूं, फिर हम कराएंगे डाउन, तो इज इक्वल टू राउंड अप, यहाँ पे लिखिए राउंड और अप दिया हमने। अब यहां पर क्या करना है, इसको सिलेक्शन में लेना है, ठीक है, ले लिया, और अब इसको करना है क्लोज, ठीक है, कॉमा लगा के 0 देखे और फिर क्लोज करना है, और अब प्रेस करता हूं एंटर, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां पे 2 आ गया है, ठीक है, और अगर ऑटोफिल करना चाहते हैं तो यहां पे डबल क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोफिल हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि जब मैं अप कर रहा हूं तो चाहे वो 1.5 से ऊपर हो या नीचे हो उस पूरे को आगे लेकर के चला जा रहा है। तो ये अप का फॉर्मूला है, राउंड अप ऐसे ही काम करेगा। अब बता देता हूं राउंड डाउन, ठीक है, तो यहां पे राउंड डाउन ये लिखा मैंने, और अब हम यहां पर राउंड डाउन ही कराने वाले हैं। तो इज इक्वल टू का निशान लगाया, यहां पे लिखा आर ओ यू एन डी डी ओ डब्ल्यू एन, तो राउंड डाउन आ जाएगा यहां पे। अब इस बार हम डाउन करा रहे हैं, राउंड डाउन करा रहे हैं, तो अभी क्या करना है, यहां पे 1.6 को सिलेक्शन में लिया, कॉमा दिया, 0 पॉइंट तक इसे राउंड कराया, ठीक है। और अब देखिए ये जो है 1.66 था फिर भी ये आ रहा है 1, तो ये राउंड डाउन हो गया। अब इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये सबका आ जाएगा। अब देखिए ये सब डाउन कर रहा है, यहाँ पे 5.9 है तो जनरली हो क्या जाना चाहिए कि ये 6 हो जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी ये क्या है कि 5 हो गया है, तो ये राउंड डाउन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।